देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पावर ग्रिड द्वारा सीएसआर के अंतर्गत बनाए गए पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार आरके सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद हरी सहनी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पावर ग्रिड के इस सामाजिक कार्य की सराहना की एवं कहा कि इस विश्राम सदन के बनने से मिथिला क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर इत्यादि से आए मरीजों के परिजनों को सुविधा मिले। इसके मजबूत विद्युत परिक्षेत्र के विषय में चर्चा की और भारत सरकार के 24 घंटे पावर फॉर ऑल यानी 24 घंटे बिजली की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लगभग 5,285 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस 5 मंजिले पावर ग्रिड विश्राम सदन की क्षमता 260 बेडों की है। इसे लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। डीएमसीएच में प्रतिदिन लगभग 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिनके साथ उनके परिजन आदि भी सेवा एवं देखभाल के लिए आते हैं। इस भवन में मरीजों के परिजनों हेतु समुचित व्यवस्थाएं और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे कि इनका प्रवास सुलभ सुविधाजनक हो सके। पावर ग्रिड ने एनसीआर के तहत 3 विश्राम सदनों का निर्माण किया है, जहां मरीजों के साथ आए परिजन के ठहरने की व्यवस्था है। ये विश्राम सदन एम्स नई दिल्ली, आईजीएमएस पटना तथा जेएमयू लखनऊ में स्थित है एवं प्रतिदिन भारी संख्या में आ रहे मरीजों उनके परिजनों के ठहरने हेतु सुविधा विशेष राहत प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में पावर ग्रिड द्वारा 4 अन्य ऐसे ही विश्राम सदनों का निर्माण रांची, बड़ोदरा, बैंगलोर और गुवाहाटी में किया जा रहा है। विश्व की विशालतम पारेषण उपयोगिताओं में से एक पावर ग्रिड अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत पूरे भारत में कई परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिसमें बिहार राज्य में कई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं में प्रमुख है भोजपुर जिले में ग्रामीण विकास परियोजनाएं, जैसे कि सड़क निर्माण, सामुदायिक केंद्र, बिहार के किशनगंज में महानंदा नदी के दाहिने तट पर बोल्डर रिवेनमेंट का निर्माण, राज्य भर में नमचा शौचालयों की स्थापना। इसे हम अपने तक अपने और ये 4,000 किलोमीटर हम ग्रिड दे दिए बिहार, खाली बिहार 4,000 किलोमीटर, तो हम लोग कर सकते हैं करें और भारत सरकार को कर सकती है करें। आपके यहाँ जो फोर लेन हुआ है, हम हमारे यहाँ भी फोर लेन हुआ है। हमारे यहाँ जो जितना फोर लेन हम लोग मान लेते हैं, हम भोजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सब गडकरी भी दे दिए। आपके यहाँ जो गोपाल जी ठाकुर जो लोग मांगे सब दे, अब बन भी जाए तो भारत सरकार से जो विकास का काम होना है वो तो हो जाए। फोर लेन भी बन जाएगा, रेलवे लाइन बन ही रहा है, दोहरीकरण भी हो जाएगा, बड़ा बड़ा तो जो पुल भी है वो यूरो फायदे थे उसे भगवती कनेक्शन भेजा जाकर पुल वो भाई लेते, ये सब भाई लेते। ये पूरा मिथिलांचल के जोड़े वाला लहरिया सराय सहरसा ट्रेन चलिए गए तो एयरपोर्ट चालू है भाई गए, तो ये सब हो जाएगा। भारत सरकार का जो काम है विकास का वो हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार विकास में विश्वास करती है। और हम लोग को ये स्पष्ट है, प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि भारत का विकास कब होगा, जबकि हम लोग पूरब का विकास करेंगे। पूरब में बिहार भी आता है, बिहार का भी विकास होगा, हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हम आते रहेंगे गोपाल जी, हम आते रहेंगे और जो जो कठिनाइयां हैं, जैसे कि हमने कहा कि जैसे सुपौल का या मधेपुरा का हम पर क्लेम है, वैसे उतना ही क्लेम बिल्कुल उससे ज्यादा क्लेम आपका है, क्योंकि ये माता का तो ज्यादा खून रहता है, ज्यादा क्लेम आप ही का है। तो हम लोग आते रहेंगे और जो जो आपको कठिनाई होगी उसका हम लोग निदान करते रहेंगे। जो जो योजना हमने कहा हमारे लोगों ने नोट कर लिया होगा, वो सारा योजना कार्यान्वयन करें, कुछ कर रही है। हाँ, एम्स के शिलान्यास हम जाकर प्रधानमंत्री से कहो, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। डीएमसीएच परिसर में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, फारबिसगंज, सुपौल जय जिला से माननीय मंत्री हमारे आवे छे, आज नेपाल तक के पेशेंट है हम आवे, लेकिन ओकर अटेंडेंट कतो रहा, वो सड़क पर रहा, क्यों स्टेशन पर जाकर रहा, आज तक क्यों मंत्री भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय या कोनो राज्य केंद्र
सरकार चिंता में करे, ई चिंता करे घना तब आदरणीय हमारे मंत्री आर के सिंह जी करे, एहन आर के सिंह के हम जतेक अभिनंदन कर जतेक वंदन कर तो कम है और आपके सहयोग से आपके कारण पूरे देश में आज बिजली के मामले में पूरा देश आत्मनिर्भर बना है और देश ही नहीं आज विदेशों में भी दूसरे देशों में भी और आपके नेतृत्व में बिजली जा रही है और दूसरे देश को भी बिजली हम दे रहे हैं मोदी जी की सरकार ने किया है। और सीएसआर फंड से आप केवल यही नहीं जो बिहार का एक दो तो एक प्लस ग्रेड नेक्स्ट ग्रेड कॉलेज है दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज उसमें भी आपने बड़ा भोजन जो है सीएसआर फंड से बन रहा है जल्द ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिर हम लोगों को आने का आपको मौका लगेगा आपका आशीर्वाद दरभंगा को मिलेगा उसका भी उद्घाटन या पावर ग्रेड के लोग बैठे जल्द ही उसके जो कॉन्ट्रेक्टर है उसका भी जल्द से जल्द उद्घाटन। यहाँ दरभंगा में और शहरों में अन्य शहरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहा है जो हालत है प्रीपेड स्मार्ट मीटर की हम लोगों ने यहाँ के अधिकारियों को भी कहा यहाँ सरकार के प्रधान सचिव को भी हम लोगों ने कहा है गरीब उतार रहा है प्रीपेड स्मार्ट मीटर से माननीय मंत्री जी ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जिस गरीब का मीटर 300, 400, 500 रुपए आता था अब महीने में 1500 से 2000 रुपए आ रहा है आप जांच करा लीजिए। एक निशान सदन दे रहा है पूरा दरभंगा जिला मिथिला वासी सब गौरवान्वित छी यहाँ अतिथि के हम अहाँ सबके दिस सँ संपूर्ण मिथिला वासी के दिस सँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करै छी। दरभंगा जिला के मिथिला के एहन जिला सुदूर देहात के बीच में छै जे गरीब लोग सब चारू दिस सँ अबै छै आ अतः जे गंगा है डीएम सीएच के जे स्थिति छै ओ देखैत अपने सँ हम आग्रह कर रहल छी जे निश्चित रूप से एकरा चीज आ देलिए हम 16 करोड़ में ओतः आबि कर गरीब के लोग रहते निवास करते तो गुण ज्ञात अहाँके जिंदगी अहाँके नाम लेल जे दरभंगा जिला में अहाँ की चीज नहीं जय अमरेश्वर जय रूप में हम के लिए हम दरभंगा जिला के वही जो स्वरूप होकर बरकरार रहे ये अपने सर निवेदन करें छी। माननीय दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मरीजों के परिजनों के लिए बहुप्रतीक्षित पावर ग्रिड विशाल सदन का उद्घाटन हो रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने यहां निर्मित सामाजिक दायित्व के तहत 15 करोड़ की लागत से 5 मंजिला 260 बिस्तरों वाला विश्रामालय बनकर सराहनीय काम किया है। मंत्री महोदय का अपार प्रेम है कि उन्होंने दरभंगा को कई उपहार दिए हैं जबकि मंत्री महोदय आरा से पर आपका जन्म इसी मिथिला के सुपौल में हुआ है। शायद आपको स्मरण हो कि आपने 2 वर्ष पूर्व स्थानीय सीएम साइंस कॉलेज के जेल सिंह आर्थवर्ग हॉस्टल के नव निर्माण है 150 बेड के बहुमंजिला हॉस्टल की आधारशिला पट का अनावरण भरपूर रोड में किया था। हमें प्रसन्नता हो रही है कि आज मंत्री महोदय साक्षात इस भवन भव्य विश्रामालय के उद्घाटन के लिए उपस्थित है। बीमार नहीं रहा लाचार हो रहा मुफ्त उपचार हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज इंतजार किसका जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा ऑर्थोस्कोपी स्पाइन सर्जरी फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज डॉक्टर एस एन सर्राफ डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडिया पार्क में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडिया पार्क में मेडिकल यानी नीट आईआईटी जेई 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक
पर छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और तकनाचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दीपक कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि 30 एवं 31 अक्टूबर को विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के प्रमुख घाटों दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट हराई छठ घाट पोखर, केएम टैंक लहरिया सराय के निकट कन्हैया मिश्रा पोखर, अलालपट्टी के निकट गंगा सागर छठ घाट पोखर, बहादुरपुर प्रखंड के बसंतपुर शिव मंदिर छठ घाट पोखर, महादेव मंदिर लहरिया सराय के निकट कबीलपुर पूर्वी छोर टोल छठ पूजा पोखर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के मध्य विद्यालय केवटगामा तालाब, हायाघाट प्रखंड के सिंधौली पंचायत के अनार छठ घाट पोखर, जाले प्रखंड के समधनिया के धुनिया लोखर पोखर तथा घनश्यामपुर प्रखंड के शिवनगर महादेव पोखर पर निर्मित पारा विधिक स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा लोगों के बीच विधि जागरूकता की जाएगी। जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई घाटों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा हराही अवस्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया गया, जहां वर्तमान में सफाई कार्य जारी था। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि तालाब में जहां से नाला का पानी आता है उससे पूर्व LPU का निर्माण कराया जाए। हराही और दिघी को जोड़ने वाले नाला का निरीक्षण के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि जो नाला वर्तमान में बंद है उसे अविलंब सफाई करवा कर चालू करवाएं। वहीं उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि शॉप लॉ कॉलेज के बगल से आने वाले नाले के पानी को 200 फीट पूर्व बड़ा गड्ढा खोदकर तत्काल नाला के जल को स्टोर करें। LPU अपशिष्ट तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण करवाएं। हराही तालाब के निरीक्षण के उपरांत उन्होंने गंगा सागर के कोठी घाट पर गए, जहाँ वर्तमान में निर्मित घाट का स्टेप ऊंचा रहने के कारण नगर निगम द्वारा वैकल्पिक स्टेप बनवाया जा रहा था। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि छठ के तुरंत बाद नीचे के स्टेप का निर्माण करवाएं, ताकि आगे से छठ में वैकल्पिक स्टेप नहीं बनाना पड़े तथा क्षतिग्रस्त घाट के भाग को अविलंब बनवाने का निर्देश दिया गया। जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन ने वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए इस वर्ष काली पूजा दीपावली 24 अक्टूबर, गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर तथा दवात पूजा 27 अक्टूबर को मनाए जाने की सूचना है। दीपावली पर्व के अवसर पर भारी आवाज वाले पटाखे फोड़ने, जगह जगह जुआ खेलने, दुकान के चारों तरफ दीप जलाने एवं आतिशबाजी किए जाते हैं। ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किए जाने से धनजन की क्षति होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वहीं दवात पूजा के अवसर पर कायस्थ समाज अपने घरों या किसी खास स्थानों पर मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं तथा चित्रगुप्त पूजा विसर्जन के समय शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इस अवसर पर भी विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने यातायात प्रभारी को निर्देश दिया कि धनतेरस पर्व, दीपावली पर्व, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर पर्व के समाप्ति तक सभी चौक चौराहों पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे तथा शहरी क्षेत्र के सघन एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आवागमन सुचारू रूप से संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही स्वयं भ्रमणशील रहकर इसका अनुश्रवण करते हुए यातायात व्यवस्था में विधि व्यवस्था संधारित कराएंगे। उक्त पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों, गुंडा तत्वों और सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, इसलिए सभी थाना अध्यक्ष, OP अध्यक्ष ऐसे तत्वों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्गत कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी प्रकार की अशांति अथवा तनाव होने पर ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। दीपावली, काली पूजा, गोवर्धन पूजा और दबात पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 257 स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थानों पर बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो तो थाना अध्यक्ष अपने स्तर से पुलिस बल एवं ग्रामीण पुलिस की प्रतिनियुक्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभाव में रहेंगे तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और पुलिस निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र के प्रभार में रहकर विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था संधारित करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, सदर अनुमंडल के निर्देशक लेखा प्रशासन,
एमस्वैंग नियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गणेश कुमार बेनीपुर अनुमंडल के तथा अपर समाहर्ता अरविंद कुमार झा विरौल अनुमंडल के संपूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में दरभंगा टावर पर SDO स्पर्श गुप्ता DSP अमित कुमार के द्वारा जो भी अनुज्ञप्तिधारी उन पटाखा व्यवसायियों के दुकानों में पहुंचकर जांच की गई। साथ ही यहां मौजूद थाने को भी निर्देश दिए गए कि सभी थाने अपने अपने क्षेत्र में जो अवैध तरीके से पटाखे का व्यवसाय चला रहे हैं उन पर भी नजर बनाते हुए कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही जांच के क्रम में दौरान में ये बात कही गई कि अगर ऐसा बार बार देखा गया है कि पूर्व में लापरवाही की वजह से घटनाएं घटी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। जो दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए जो बिहार सरकार के निर्देश भी हैं ऊपर से गृह विभाग के, इसी के आलोक में हम लोगों ने जो भी अनुज्ञप्तिधारी हैं पटाखा दुकान के उन सभी का हम लोगों ने आज दरभंगा टावर के पास या नगर थाना क्षेत्र में जांच किया है। और सभी के पास जो भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ जांच किया है अनुज्ञप्ति हम लोगों ने देखा है रिन्यूड है कि नहीं है। और सभी के दुकानों में जो भी माना के अंतर और जो चीज़ें होनी चाहिए वही हम लोगों ने देखा है। और उसके आलोक में हम यही कहना चाहेंगे कि नगर थाना को और जो भी संबंधित थाना है और अंचल है जहाँ जहाँ इस तरीके की पटाखे की दुकानें हैं और कुछ ऐसी भी दुकानें होंगी जो बिना अनुज्ञप्ति के अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं उन पर निगरानी रखने की इस समय बहुत बहुत ज़रूरत है। और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हम लोगों ने देखी हैं कि जो किसी लापरवाही की वजह से हो जाती हैं और इसीलिए ये प्रशासनिक सतर्कता एवं थाना और अंचल की तरफ से एक निगरानी जरूरी है। इसी के आलोक में हम लोगों ने आज अपने तरफ से घूम घूम के सारी दुकानों का जांच किया है। और जो थाना अध्यक्ष हैं वो लोगों से हम चाहेंगे कि अपने स्तर से एक विस्तृत रूप से सभी गोदाम का सत्यापन और एक जाँच कर लें। रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन होना है और इसको लेकर अंबेडकर सभागार में विकास आयुक्त बिहार सह समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम विवेक कुमार सिंह तथा दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 22 का आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम या लहरियासराय के प्रेक्षागृह में 3 और 4 नवम्बर को आयोजन करने पर सहमति बनी। इसकी तैयारी के संबंध में आयोजन समिति की बैठक हुई। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक एवं शिक्षक प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहे। जिलाधिकारी द्वारा उक्त आयोजन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक प्रतिनिधियों को अपना सहयोग देने हेतु अनुरोध किया गया। वर्ग 6 से 12 तक के बच्चों के लिए यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो सरकारी एवं निजी स्कूल के लिए पहली बार किया जाएगा। यहाँ के मेधावी छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। बैठक में DDC अमरीशा बैंस, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, बड़ी उप समाहर्ता गौरव शंकर, टोनी कुमारी और कई अन्य लोग मौजूद रहे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ASG नेत्र चिकित्सालय द्वारा आम जन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ घर ही नहीं स्वच्छ शहर की भावना को जगाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। 19 राज्यों और 20-40 शहरों में विस्तारित ASG नेत्र चिकित्सालय के सभी हॉस्पिटलों का ये जागरूकता रैली आयोजित की गई। ASG नेत्र चिकित्सालय के केंद्र निदेशक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मंजूर और केंद्र प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि ASG नेत्र चिकित्सालय समूह ने आमजन के प्रति पूर्ण संवेदना के साथ सदैव काम किया है और समय समय पर देश भर में विभिन्न जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज को प्रेरित और जागरूक करने का प्रयास किया है। जैसे कि हमें मालूम है कि एक ट्रेडिशन है कि दीपावली के दिन के वक्त में सब लोग अपना घर को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसी को एक एक्सटेंशन फॉर्म में कि सिर्फ घर ही नहीं, आप अपना घर ही नहीं, आप अपने सोसाइटी को भी देखें, अपना जो नियर बाई है उनको भी साफ रखना है, आप अपने लोकल में भी जो चीज़ें होती हैं।
जहां एक तरफ शहर में दिवाली और छठ पूजा को लेकर लोग पर्व की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं नगर निगम के ऐसे कई वार्ड हैं जिनमें सफाई की स्थिति काफी खराब है। कुछ वार्डों को छोड़ अधिकतर वार्डों में कचरे के अंबार ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें वार्ड नंबर 22 गुल्लोबारा की, तो यहां भी सड़क पर कचरे का अंबार देखने को मिलता है। कचरे से निकलने वाले गंदे स्मेल से लोग काफी परेशान भी दिखे। लोगों का कहना था कि नगर निगम के सुस्त रवैये की वजह से शहर भर में सफाई की स्थिति काफी खराब है। एक तरफ जहां पर्व काफी नजदीक है, इसके बावजूद कोई ध्यान वार्ड के सफाई पर नहीं है। आने जाने वाले लोगों को सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। दिवाली है, चार पांच दिन बहुत आज कचरा उठ भी किया यहां से, उसके बाद देखे रहे पोजीशन क्या है कचरा का, यहां पे गंदगी से भरा हुआ है पूरा। साफ सफाई यहां नहीं होती? साफ सफाई चार दिन पांच दिन के बाद एक बार ट्रैक्टर आता है, दो गाड़ी तीन गाड़ी उठाता है, फिर दो दिन आराम करता है तब आता है, डेली तो उठ नहीं रहा है। एएसजी नेत्र चिकित्सालय द्वारा आम जन में स्वच्छता प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ घर ही नहीं स्वच्छ शहर की भावना को जगाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। 19 राज्यों और 20-40 शहरों में विस्तारित एएसजी नेत्र चिकित्सालय के सभी हॉस्पिटलों का ये जागरूकता रैली आयोजित की गई। एएसजी नेत्र चिकित्सालय के केंद्र निदेशक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मंजूर और केंद्र प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि एएसजी नेत्र चिकित्सालय समूह ने आमजन के प्रति पूर्ण संवेदना के साथ सदैव काम किया और समय समय पर देश भर में विभिन्न जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज को प्रेरित और जागरूक करने का प्रयास किया है। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रख्यात शिक्षाविद किशोर शिव किशोर राय ने समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के गोबरसिट्ठा ग्रामवासी मदन राम के पुत्र विनय कुमार को आईआईटी रुड़की के केमिकल्स ब्रांच में प्रवेश के लिए अपेक्षित राशि प्रदान करते हुए कही। श्री राय ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से इस तरह की शैक्षणिक उपलब्धि अपने आप में विरल है। साथ ही उन्होंने विनय कुमार को एक नया लैपटॉप खरीद कर देने का वचन देते हुए कहा कि इसकी उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक कठिनाइयों को कभी बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा के क्रम में वर्ग 1 से 10 तक विनय कुमार के शिक्षक रहे कमलेश प्रसाद राय ने अपने इस शिष्य की ऐतिहासिक उपलब्धि पर अपार हर्ष व्यक्त किया।